हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान श्री राम अपने धाम अयोध्या में तात्विक रूप से कभी उनका लोप नहीं होता, वो सदा से थे, हैं, सदा रहेंगे। सृष्टि लोप हो सकती है, पर परमात्मा कैसे लोप हो सकते हैं। मैं भी साक्षी रहा उस पल का, ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि 5 शताब्दियों के बाद न जाने कितनी पीढ़ियां आईं और यही मन में आकांक्षा रख के कि हम भी उस राम मंदिर को देख सकें, देख न पाए और उन्हें इस प्राणों से विदा होना पड़ा। पर हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी में हैं जिन्होंने भगवान राम को प्रतिष्ठित होते हुए और फिर उनका दर्शन किया हमने। यह सनातन संस्कृति पूरी दुनिया की संस्कृति है। सनातन संस्कृति का अर्थ है जो वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा करती है। यहाँ कोई कास्ट, क्रीड, सेक्ट, रिलीजन की बात नहीं है। यहाँ अगर बात है तो सीधी सीधी इस पूरी दुनिया में अगर मानवता की भी कोई बात करता है तो केवल और केवल सनातन संस्कृति बात करता है। भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने से केवल भारत के लोग नहीं, 145 करोड़ लोग नहीं, बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी शांति प्रिय लोग, आनंदित होने की चाह रखने वाले लोग और आत्मज्ञान धर्म पथ पर चलने वाले वो सारे लोग आह्लादित हुए। उन्होंने विराट रूप से दीपावली मनाई, उन्होंने बाह्य दीपक भी जलाए और अपना आत्मदीप भी जलाया। तो भगवान राम का आज मंदिर बना है और ये मंदिर राष्ट्र मंदिर और विश्व मंदिर के रूप में सदा सबको आह्लादित और आनंदित करता रहेगा। यह सबका मंदिर है, यह मानव मात्र का मंदिर है, यह भारतीय अस्मिता का गौरव है। भारतीय अस्मिता पुनः वापस आई है और मैं विश्वास रखता हूँ यह भारत के पुनर्जागरण का एक सबसे बड़ा कदम है। इसलिए यह दिन महान दिन है और आने वाले समय में मुझे पक्का पता है ये दिन भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा, ये 22 जनवरी। आपका यह दिव्य तिलक चैनल जो भारतीय सनातन संस्कृति को बहुत अच्छे से कवर करता है, तो तिलक चैनल जो सत्य से लोगों को परिचित कराता है, सत्य, ज्ञान, प्रेम, गरिमा, गवेषणा, महिमा, आनंद, शांति, ये सब इस दृश्य और श्रवण के माध्यम से ही हो सकता है। आपके तिलक चैनल के द्वारा लोगों के भीतर संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। मैं बहुत ही बहुत साधुवाद, शुभकामना देता हूँ और आपकी समस्त शुभकामनाएँ भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण पूरा करें। तिलक भी एक रिचुअल है। पहली बात तो ये है, देखो कि भगवान शंकर के तीसरे नेत्र की बात की गई है तो इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। यहाँ पर आज्ञा चक्र, तिलक का सीधा सीधा संबंध उससे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत जिस आध्यात्मिक विद्या और ज्ञान के बल पर विश्वगुरु था और सोने की चिड़िया था, पुनः अपने इसी आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर भारत विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु का अर्थ है पूरी दुनिया को मार्ग दिखाएगा, राह दिखाएगा, शांति का धर्म देगा, प्रेम का धर्म देगा, आनंद का धर्म देगा। पुनः पुनः आपके इस तिलक चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप सब निरंतर भगवत कार्य में लगे रहिए, भारतवासियों को जागृत करते रहिए, सनातन धर्मावलंबियों को जागृत करते रहिए और विश्व के 8 अरब लोग आपके चैनल को धीरे धीरे देखें और उससे सनातन की संस्कृति को सीखें, यही हमारी शुभकामना है। जय सियाराम, जय श्री कृष्ण।